नमस्कार, आप देख रहे हैं CNN न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। झारखंड में 7 लड़कियों के एक साथ डूबने की घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक जताया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा, लातेहार झारखंड में कर्मा डाली विसर्जन के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में कई बच्चियों की मृत्यु का समाचार सुनकर बेहद व्यथित हूँ। दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवारी जनों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। इस घटना पर PM मोदी ने भी शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा, झारखंड के लातेहार जिले में डूबने से लड़कियों की मौत से स्तब्ध हूँ। दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। मिली जानकारी के अनुसार दर्जनों युवतियों कर्मा की डाली विसर्जन करने मांडर गड्ढा गई थी। वहीं तालाब नुमा गड्ढे में डूबने लगे और बचाने के क्रम में बारी बारी से 7 युवतियां डूब गईं। आसपास ग्रामीणों ने सभी युवतियों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला, जहां 4 युवतियों की मौत घटना स्थल पर हो चुकी थी एवं शेष बची 3 युवतियों को बालूमाथ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर सुरेश राम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि टोरी शिवपुर रेल लाइन निर्माण कार्य करा रहे ठेकेदार द्वारा रेल लाइन के बगल में गड्ढे को खोद देने के कारण ये घटना घटी है। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लातेहार के उपायुक्त इमो अब्राम के मुताबिक, शनिवार को बालूमाथ थाना क्षेत्र की सेरेगढ़ पंचायत मनन डीहा पारा ग्राम बुकड़ू की 10 लड़कियों की टोली कर्मा डाली को लेकर रेलवे लाइन के पास बने तालाब में विसर्जन करने के लिए गई थी। विसर्जन के दौरान अचानक 2 लड़कियां गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगी। उन्हें बचाने के लिए बाकी 5 लड़कियां भी पानी में उतर गईं, लेकिन तैराकी न आने की वजह से वे 7 लड़कियां डूब गईं। उन्होंने बताया कि किनारे खड़ी 3 लड़कियों के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तालाब में उतर कर लड़कियों को बाहर निकाला। तब तक 4 लड़कियों की मौत हो चुकी थी, वहीं 3 लड़कियों की मौत अस्पताल में ले जाने के दौरान हुई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।